हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिशिंग क्राफ्ट, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कोरोमंडल टाइप, ठीक है, जो कैटामेरन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे के कुछ क्राफ्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट ए में हमने डिस्कस किया था कोरोमंडल टाइप, जिसमें आंध्रा टाइप, उड़ीसा टाइप, इनकी हमने डिस्कसिंग कर ली थी। इसके बाद अगर बी की बात करें तो बी के अंदर आता है मसूला बोट। मसूला बोट कैसी बोट है इसके बारे में भी जानेंगे। ये भी एक कोरोमंडल टाइप बोट है, कोरोमंडल टाइप बोट है। दूसरा, ये फ्रेमलेस है, फ्रेमलेस बोट हैव डबल एंडेड। इसके दो एंड होते हैं, फ्रेमलेस बोट है, डबल एंडेड बोट है। इसके अलावा अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड में ये बताया गया है कि जो ये बोट है ये मैंगो वुड लॉग से बनी होती है। दीज आर मेड अप ऑफ मैंगो मैंगो वुडन लॉग्स टाइड अप टूगेदर अप टूगेदर विद पाल्म लीव्स, ठीक है, पाल्म लीव से इसको टाइड किया जाता है। मीन ये भी कैसी बोट मानी जाएगी, इट इज ऑल्सो आ कीललेस बोट। ये भी एक कीललेस बोट के अंदर काउंट की जाने वाली बोट है। जो मसूला बोट है वो बहुत ही कमजोर वीक बोट है, तो इसको मोस्टली हम यूज करते हैं दीज टाइप ऑफ बोट्स आर यूज इन फेयर वेदर। अगर मौसम अच्छा है तभी इसका यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो अगर मौसम ख़राब है तो उसके दौरान इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रेमलेस है और वेरी वेरी वीक जो टाइप का क्राफ्ट है इसको बोला जाता है। मैंगो ट्री वैसे भी कमज़ोर होती है और इसको यूज़ अगर अच्छा वेदर नहीं है उसके अंदर यूज़ करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़्यादा इसके अंदर हैवी लोड नहीं लिया जाता। इसकी कुछ लेंथ की बात करें, 32-35 फीट होती है, और ब्रेथ की बात करें तो 10 से 11 फीट तक होती है, और हाइट हाइट या डेप्थ की बात करें तो वो 7 से 8 फीट तक की हो सकती है मसूला बोट के अंदर। अब इसके अलावा जो मसूला बोट है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है, किस किस एरिया के अंदर पाई जाती है। मसूला बोट कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं चेन्नई, चेन्नई जो कोरोमंडल का एरिया है, आंध्रा आंध्रा का एरिया है उसके अंदर मिल सकती है, या फिर दूसरी तरफ जो पडवा का एरिया है उसकी तरफ ये पाई जाती है। अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ स्मॉल टाइप की बोट्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, उनको भी मसूला बोट ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मसूला बोट है इनकी एक खास बात ये भी है कि जो स्मॉल मसूला बोट होती है, स्मॉल मसूला बोट्स आर यूज्ड एज गिल नेटिंग या गिल फिशिंग के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, गिल नेटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ढेंगी टाइप की बोट के लिए। इसमें नेक्स्ट में आता है ढेंगी, और या फिर इसका दूसरा नाम ले लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं नौका, ठीक है। ये तो हमने बहुत पढ़ा है नौका के बारे में। तो ये
मोस्टली जो ढींगी या फिर नौका है, ये हमारा जो बोट है ये पाया जाता है ओडिशा की तरफ या फिर वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा की तरफ पाया जाता है। ये कुछ क्रैब्ड टाइप की बोट है, क्रैब्ड टाइप, क्रैब्ड टाइप। अब नॉर्मली इसको यूज करते हैं, कुछ स्मॉल टाइप की होती है, कुछ लॉन्ग टाइप की होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके की ये मिलती है। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं आजकल किस तरीके से, इसके एक एंड पर वन एंड हैव मोटर बेस्ड फॉर मूविंग, इसको मूव करने के लिए मोटर बेस्ड क्राफ्ट का यूज किया जाता है। अब मोटर बेस्ड क्राफ्ट क्या करता है, इसकी मूविंग के अंदर हेल्प करता है। या फिर इसका मोस्ट यूज कहाँ होता है, इसका जो मोस्ट यूज है, मोस्ट यूज होता है बिग शिप के अंदर, बिग शिप। एक हेल्पर डग, हेल्पर जो ढींगी होती है उसका यूज़ किया जाता है उसके अंदर, वहाँ से निकलने के लिए, उस बिग बोट के अंदर से निकलने के लिए, अगर वहाँ से पानी के अंदर कूदना पड़ जाए बाय चांस, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, स्टक ऑफ हो जाए या कोई और दिक्कत आती है, तो वहाँ पे बिग शिप के अंदर यूज़ की जाती है एज अ स्टेपनी, स्टेपनी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेपनी ही लिख दिया है मैंने, तो बोल सकते हैं कि एज अ यूज इन बिग शिप्स फॉर कैरी लोड्स, स्मॉल लोड्स को कैरी करने के लिए, या फिर टू एस्केप, ये वहां से बचकर निकलने के, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो इसका डायमेंशन होता है वो डायमेंशन कुछ इस तरीके से मिलता है, 12 5 × 3, ये इसका कुछ डायमेंशन रखा जाता है जो ढींगी टाइप की बोट होती है उसके लिए। नेक्स्ट में आ जाती है हमारी तूती कोरिन बोट। अब जो तूती कोरिन बोट होती हैं, इनका अगर सबसे पहले हम डायमेंशन की ही बात कर लेते हैं, जो इनका डायमेंशन होता है वो होता है लगभग 10 × 2 × 1, तो इसको ये साइज में लार्जर होती है, साइज मोर मीटर, ठीक है, डायमेंशन इसका मीटर में लेंगे, साइज मोर होता है देन अदर शिप्स, दूसरी शिप से या दूसरी बोट से इनका साइज मोर होता है, इसलिए इसको मदरशिप भी बोला जाता है, मदरशिप भी इसको बोला जाता है। इसको यूज किया जाता है इन शोर वाटर के अंदर, जितने भी फिशिंग लगेज है, फिशिंग लगेज है उसको ये कैरी करती है, ठीक है। मदरशिप के अलावा इसका दूसरा नाम भी है कार्गो शिप, कार्गो शिप, कार्गो बोट या कार्गो शिप भी इसको बोल दिया जाता है। तो तूती कोरिन बोट के बारे में सिर्फ इतना ही डेटा है, जो तूतीकोरिन बोट है सबसे बड़ी बोट होती है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा फिशिंग लगेज है उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कार्गो बोट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डग आउट कैनोएज। जो डग आउट कैनोएज हैं ये कैसे बनती हैं, ये ऑल्सो कील लेस बोट होती हैं, कील लेस बोट। अब ये बनती कैसे हैं, जो कीललेस बोट है इनका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, एक ट्री है पाल्मीरा, पाल्मीरा ट्री का जो ट्रंक होता है उसका ट्रंक कुछ होलो टाइप का होता है, उस होलो टाइप के ट्रंक को कट किया जाता है और एक डग आउट कैनोए बना दी जाती है इस तरीके से, जैसे ये होलो टाइप का ट्रंक है ना, इसको यूं कट किया जाएगा ऊपर से और एक डग आउट कैनोई आपकी यूं तैयार हो जाएगी, ये डग आउट कैनोई आपकी तैयार हो गई है कुछ इस तरीके से। जो ये डग आउट कैनोई का जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, इसको किनारों से अच्छा तैयार कर लिया जाता है।
अब जो डग आउट कैनोई, इसकी खास बात क्या है? ये थिकर होती है, थिकर फ्रॉम बेस। जो इसका बेस होता है वो थिक होता है, मोटा होता हैवी बोल सकते हो, हैवी होता है। और इसके अलावा जो साइड होती हैं, साइड्स आर लेस हैवियर। ऐसा क्यों होता है? फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग इन वाटर, वाटर के अंदर, ताकि ये प्रॉपर बैलेंस हो जाए, इसलिए ऐसा इसको बनाया जाता है। इनका जो यूज है, यूज इन केरला एंड कोंकण, ठीक है? इनका जो यूज किया जाता है केरला और कोंकण के अंदर किया जाता है। जो लार्जर डग आउट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लार्जर डग आउट, इनका नाम दे दिया जाता है ओडाम या फिर वांची। ओडाम और वांची इनका नाम दिया जाता है जो लार्जर होती है डग आउट कैनोई। इनका ओडाम और वांची, लर्नेबल जो बात है इसमें यही है, ओडाम और वांची। और ओडाम और वांची नॉर्मली जो आपको मिलती है वो मालाबार कोस्ट, यहाँ पे पाई जाती है, मालाबार कोस्ट के पास पाई जाती है। लार्जर की तो हमने बात कर ली, बट जो स्मॉलर होगी, जो स्मॉलर डगआउट होगी, इसका नाम दिया जाता है थोनीस। थोनीस जो ड्रिफ्ट फिशेज में काम आती है, ड्रिफ्ट फिशिंग में काम आती है, ये ड्रिफ्ट फिशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी नॉलेज डगआउट कैनोई के बारे में। जो प्लैंक बिल्ट कैनोइज होती हैं, ये डगआउट कैनोइज का मॉडिफाइड रूप है। दीज बोल सकते हैं हम, दीज बोट्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डग आउट कैनोइज। डग आउट कैनोइज की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके अंदर जो प्लैंक का यूज किया जाता है ना, प्लैंक को लगाकर इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स आर चेंज इंटू वाइड फॉर्म, मतलब इनकी साइड्स को यूं चौड़ा कर दिया जाता है, वाइड फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया जाता है। इसके अंदर सिर्फ यही मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है? ये भी मालाबार कोस्ट, केरला केरला इसके अलावा मुंबई एंड काठियावाड़ एरिया के अंदर इनको यूज किया जाता है। तो ये रहेगी प्लैंक बिल्ट कैनोई के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी, इसके आगे की वीडियो में हम आगे नेक्स्ट क्राफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करें, लाइक करें।